हेलो जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम ते नमस्ते। की हाल तुहाडे सारे दा जी? तुहानू स्वागत, वेलकम ते खुश आमदीद दोबारा तो उसे प्यारे दिलां नाल ते उसे प्यारी स्माइल नाल प्रीत बानी रिएक्ट ते होप करते हैं कि तुसीं 2 दिन जो है चलो हादसे नाल भी इंजॉय कर लिया होना। तो खैर असी वापस जो है अपना रस्ता मोड़ के इधर नू आ गए हैं जी। तो वीडियो अज दी दोबारा तो तुसी असी जड़ी वीडियो उस दिन पाई सी ते ओदे थले जो है कमेंट्स आए ने, होर वीडियोज़ दे थले भी कमेंट्स आए ने। किन्हां वीडियो पाई सी? रमशा सुल्तान जी दे चैनल तो वीडियो बनाई, रमशा सुल्तान जी दे चैनल तो असी वीडियो बनाई सी। ते उस वीडियो दे थले तुसी जो है कमेंट्स किए, होर वीडियोज़ दे थले भी तुसी कमेंट किए कि इन्हां दी होर वीडियोज़ भी हैगियां ने, क्योंकि उन्होंने भी बनाई हुई है कि रमज़ान क्या होता है। तो उन्होंने बनाई है बेसिकली नॉन मुस्लिम वास्ते, जिदा असी पिछली वीडियो बनाई सी, जिस तरीके नाल, जिस डिटेल नाल, प्रॉपर इंग्लिश दे विच बिल्कुल हर चीज़ एक्सप्लेन करके उन्होंने दस्या सीगा। तो आई थिंक सानू लग्या कि यह वीडियो सानू बनानी चाहिए है। यह वीडियो सानू होर ज़्यादा डिटेल्ड ते इनफॉर्मेशन देगी एंड कॉमन लैंग्वेज दे विच एक्सप्लेन की जाएगी, एक्चुअली एक्चुअली साडी लैंग्वेज दे विच समझाई जाएगी, तो असी होर अच्छे नाल समझ पाओगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट किते दूजे पासे मिलते हैं, पूरी वीडियो बनावांगे ते करदे हैं शुरू। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال السلام عليكم। मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको रमज़ान क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या अगर आपको रमज़ान के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स बिगिन। रमज़ान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। हम ये यकीन रखते हैं कि रमज़ान के महीने में कुरान इस दुनिया पर नाजिल हुआ था। कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं जिनको इस पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था ताकि वो हमें जीने का तरीका सिखाएं। तो इस महीने में मुस्लिम्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कुरान पढ़ें और अल्लाह के और करीब आ सकें। ओरिजिनली कुरान अरबी यानी अरबिक लैंग्वेज में है, पर क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज अरबिक नहीं है, इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो लोग अरबी में तो उसे पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी पढ़ते हैं ताकि कुरान उन्हें समझ आ सके। कुरान हर लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है। अब कुरान की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस महीने मैं कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं अपनी कोई भी पसंदीदा ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करिए और इंशाल्लाह आपको कुरान की फ्री ट्रांसलेटेड कॉपी पहुंच जाएगी आपके एड्रेस पे। जरूरी नहीं आप मुस्लिम हो, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, ये एक यूनिवर्सल बुक है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। तो आप जरूर कुरान पढ़िए और जानिए इस्लाम के बारे में। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि रमजान के महीने में मुस्लिम्स रोजे रखते हैं, बट इस चीज में काफी लोगों को काफी सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, तो मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले हम कुछ भी खा या पी सकते हैं, उसे कहते हैं सहरी। उसके बाद पूरे दिन हम कुछ भी नहीं खा सकते ना ही कुछ पी सकते, जी हाँ पानी भी नहीं, चाहे वो एक ड्रॉप ही क्यों ना हो। पूरे दिन रोजा रखा जाता है। फिर सनसेट के टाइम पे यानी सूरज गुरूब होने के टाइम पे हम अपना रोजा खोलते हैं, उसे कहते हैं इफ्तारी। अब क्योंकि पूरे दिन भूखे रहते हैं और भूख भी लग रही होती है तो बहुत एक मिनी पार्टी टाइप हो जाती है इफ्तारी के टाइम पे और हर कोई इफ्तारी का वेट करता है, हर कोई बहुत खुश होता है इफ्तारी के टाइम पे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स वाला टाइम होता है, बहुत रहमतें होती हैं इस टाइम पे, जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा वक्त होता है। इफ्तारी के बाद पूरी रात का जितना भी टाइम है हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 30 दिन लगातार कुछ नहीं खाना पीना, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर दिन का ये साइकिल होता है, सुबह खा सकते हैं, फिर पूरे दिन कुछ नहीं खाना, शाम को हम रोजा खोल लेते हैं, पूरी रात कुछ भी खा या पी सकते हैं। तो ये पूरा एक 30 डे का साइकिल होता है। रमजान का महीना कई चीजें सिखाता है, उसमें से एक है सेल्फ कंट्रोल।
बहुत आसान है कुछ भी खा पी लेना जब कोई देख ना रहा हो। दिन भर में ऐसे बहुत मौके मिलते हैं कि कोई आसपास नहीं है और आप कुछ भी खा पी सकते हो और किसी को पता भी नहीं लगेगा, पर हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम इस वजह से कुछ भी दिन भर खाते पीते नहीं हैं, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। और यही है एसेंस पूरी लाइफ का, पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी जाए जैसे अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, जो कि सच बात है। तो अच्छे काम करें जिंदगी में, बुरे काम ना करें, यही सिखाता है रमजान हमें। अब क्योंकि पूरे महीने हमें भूख और प्यास के एहसास के बारे में पता लगता है, तो हम बेसहारा भूखे प्यासे लोगों से ज़्यादा एम्पथाइज कर पाते हैं, उनके एहसासों को ज़्यादा हम समझ सकते हैं। इसलिए इस महीने में सारे मुस्लिम्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि खूब खाना पीना खिलाएं गरीबों को, बेसहारा लोगों को, या जिनके पास कोई भी सोर्स नहीं है खाने पीने का, उनकी जितनी मदद हो सके उतनी कर सकें। अब वो खाने की फॉर्म में भी करते हैं कि इफ्तारी के टाइम हर जगह कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोस में या इधर उधर इफ्तारी बटे, और वॉलंटरी चैरिटी यानी सदका भी दिया जाता है, यानी अपनी मर्जी से आप गरीबों को या ज़रूरतमंद लोगों को पैसे या किसी भी फॉर्म में मदद कर दें। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है रमज़ान में करना, वो है होता है ज़कात देना। ज़कात मतलब आपके पूरी साल की टोटल इनकम का 2.5% यानी 2.5% जो भी अमाउंट होता है पैसे का, वो आपको तकसीम करना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गरीबों में। पैसे, खाना, रिसोर्सेज, हर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी मदद हो सके। किसी भी तरह का सदका या ज़कात देने से आपकी जो रिज़क है उसमें कोई भी कमी नहीं आती, इनफैक्ट उसमें और ज़्यादा बरकत होती है। हम जितना ज़्यादा और लोगों को देते हैं, अल्लाह हमें उतना ही ज़्यादा देता है। रमज़ान के महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। हम ये यकीन करते हैं कि शैतान जो है वो हमें सारे बुरे काम करने के लिए उकसाता है, तो शैतान इस महीने में बांध दिया जाता है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अच्छे काम करना और बुरे कामों से दूर रहना। रमज़ान को माफ़ी का भी महीना माना जाता है। हम मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि कयामत का एक दिन होगा जिस दिन हर इंसान को अपने हर काम के लिए जवाब देना पड़ेगा। एक एक चीज, एक एक काम जो आपने इस दुनिया में किया है, हर उस चीज की बहुत बारीकी से आपको सफाई देनी पड़ेगी, उसका आपको अजर मिलेगा और वो बहुत ही ज्यादा सख्त दिन होगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह हमें माफ़ करे, हमारी गलतियों को दरगुजर करे। और इसलिए इस महीने को माफ़ी का महीना भी माना जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई अपनी गलतियों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है अल्लाह से, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। तो इसलिए ये महीना और भी ज़्यादा ख़ास है मुस्लिम्स के लिए। रमज़ान के महीने में कोई भी अच्छे काम का सवाब कई गुना ज़्यादा मिलता है, जैसे कि आपने वो काम कई बार किया हो। रमज़ान के महीने में दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, स्पेशली इफ्तार के टाइम या तहज्जुद के टाइम लोग बहुत ज़्यादा दुआएं मांगते हैं इस महीने में, क्योंकि ये बहुत बरकतों वाला महीना है। रमज़ान में मुस्लिम्स कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, और रमज़ान की एक स्पेशल नमाज होती है जिसे कहते हैं तरावी की नमाज। ये रात के टाइम पढ़ी जाती है मस्जिदों में, और इस नमाज में कुरान पढ़ा जाता है थोड़ा थोड़ा हर दिन, और टारगेट ये होता है कि एक पूरा कुरान एक बार हर कोई सुन ले, क्योंकि ये कुरान का महीना है। तो ये काफ़ी लंबी नमाज भी होती है, पर इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की हर कोई कोशिश करता है। इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत बात ये है कि इस्लाम हमें इक्वालिटी सिखाता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, चाहे आप ब्लैक हो या वाइट हो, चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, अल्लाह के सामने सब बराबर हैं।
और ये एक बहुत खूबसूरत बात है, जब नमाज पढ़ने के लिए सब खड़े होते हैं, सब एक लाइन में खड़े होते हैं, उसमें कोई भी स्टेटस वाइज अरेंज नहीं होता, जैसे कि हमारा एक सोसाइटी स्ट्रक्चर बन चुका है, जो अमीर वो आगे, जो गरीब पीछे, या फिर जिसके जितने सोर्सेज हो वो ज्यादा आगे जाएगा। इस्लाम में हर कोई बराबर है, तो जब नमाज पढ़ी जाती है कोई भी भेदभाव नहीं होता, सब एक लाइन में, सब एक साथ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात है। इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि हम अपने खुदा से ज्यादा करीब हो सकें, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि आखिर में हमें उसी के पास वापस लौट कर जाना है। ओवरऑल रमज़ान एक बहुत ही ज़्यादा पाक महीना है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा दिल और हमारी रूह साफ़ हो सके, हमारे अंदर अगर कोई भी बुरी आदतें हैं हम उन्हें अपने आप से हटा सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। लास्टली बहुत फेमस चीज जिसके बारे में आप सबको पता होगा, वो होती है ईद, जिसे जनरली मीठी ईद भी कहा जाता है बकरीद से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ईद तब मनाई जाती है जब पूरा महीना रमजान का खत्म हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई इतना अच्छा महीना मानते हैं इसे, तो इसके खत्म होने पे खुशी क्यों मनाते हैं? खुशी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इस बात पे खुश होते हैं कि इस पूरे महीने हमने अपनी 100% कोशिश करी सारे काम अल्लाह के मुताबिक करने के, उसके और करीब आने के, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के और एक अच्छा इंसान बनने के। तो ये एक दिन है खुशी का, सेलिब्रेशन का, जिस दिन सब बहुत खुशी मनाते हैं कि हमने सक्सेसफुली इस रमज़ान में अल्लाह की इबादत करी और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करी। इस दिन हर कोई नए कपड़े पहनता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है सब जगह, और ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है जो कि सुबह के वक्त होती है, और छोटे छोटे बच्चों को बड़े खुश करने के लिए ईदी देते हैं, ईदी यानी थोड़े से पैसे दे दिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं और कुछ अपनी मनपसंद चीज़ ले ले जाकर, और बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, एक दूसरे के घर आया जाया जाता है और मिला जुला जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत दिन है जिस दिन सब रिलैक्स करते हैं और बहुत खुशियाँ मनाते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस्लाम एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मज़हब है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई करने की हिदायत दी जाती है। आप कुरान पढ़कर देख लीजिए, आप हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जर्नी पढ़ लीजिए, या आप इस्लाम टीचिंग्स पढ़ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और नेक काम करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। इस्लाम एक पूरा जिंदगी जीने का तरीका है। तो आज के टाइम पे आपको मीडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ जो भी गलत बात बताई जाती है उस पे आंख बंद करके यकीन मत करिए। आपको कोई भी क्वेरी है आप किसी मुस्लिम से इंटरेक्ट करिए, आप उससे पूछिए कि क्या ऐसा है या नहीं है, आपकी शायद वो क्वेरी सॉल्व कर दे। अगर नहीं हो पाती तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप खुद डायरेक्टली कुरान का ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ सकते हैं, या आप हमारे नबी की पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो खुद उसके बारे में आप पढ़िए, और आंख बंद करके किसी पे भी यकीन मत करिए, क्योंकि हर तरफ बहुत ज़्यादा नफरत फैलाई जा रही है मुस्लिम्स के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, बट हम इतने बुरे नहीं हैं, हमें और सिर्फ अच्छाई करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। हम इस दुनिया में फसाद नहीं फैलाना चाहते, नेक तरह से जीना चाहते हैं, नेक तरह से मरना चाहते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस महीने इंशाल्लाह मैं और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी, बहुत बेसिक्स बताऊँगी आपको रमज़ान के बारे में या इस्लाम के बारे में। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएँ, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम आप भी प्लीज़ हमारे साथ ये सब करें। और वेरी नाइस वीडियो, वेरी एक्सेप्शनली एक्सप्लेन्ड, जिहड़ी चीज़ां असी लास्ट वीडियो दे विच कवर नहीं करिया नहीं सीगियां या पता नहीं लगियां सीगियां, इस वीडियो दे विच पता लग गया, वो भी साडी लैंग्वेज दे विच। अच्छा, बाकी गल्लां तो अगे वधन तो पहला मैंने सब तो पहला एक जिहड़ा क्वेश्चन जिहड़ा मेरा लास्ट वीडियो दे विच भी रह गया सीगा
ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਨਮਾਜ਼ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ, ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਯੈਸ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤਰਾਵੀ। ਹੈਂ, ਤਰਾਵੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਫਕੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 365 ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਤ ਔਰ ਚੰਗੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹ ਵਿਊ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਲਿਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਅਫਕੋਰਸ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਫੀਲਿੰਗ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ VIP ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਗਰੀਬ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਬਥੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਈਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਜੋ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, 20-25 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, 2-3 ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫਕੋਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਈਦ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇਣੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸੇਵੀਆਂ, ਸ਼ੀਰ ਕੁਰਮਾ ਔਰ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਅਤੇ ਈਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬਸ ਈਦ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਂਡ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 30 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ
ਲਗੀ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सबसक्राइब जरूर कर दियो इन्हां दे चैनल नूं भी जाके जरूर कर दियो सबसक्राइब बाकी सानूं दो इजाजत लैके हाजिर होने अगली वीडियो अपना ध्यान रखो खुश रहो सेहतमंद रहो तंदुरुस्त रहो दुआ में सानूं याद रखो असी तुहानूं याद रखांगे दियो इजाजत प्रीत बानी नूं ते तद तक लई सत श्री अकाल ते खुदा हाफिज़।